मैं फहीम कुरैशी एडवोकेट हूँ, मैं सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी हूँ। मैं देखिए, जमीयतुल कुरैश हैदराबाद का पिछले एक हफ्ते से मसलख रमनस पूरे के ताल्लुक से मसला चल रहा है। बल्दिया हैदराबाद की जानिब से यहाँ का टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया गया। जारी होने के बाद में जमीयतुल कुरैश हैदराबाद की जानिब से ये सोचा गया कि यहाँ का जो टेंडर है, अगर जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के नाम से अगर हो तो यहाँ के जो 10,000 ख़ानदान जो यहाँ पर है उनको कुछ सहूलत मिल सके। यहाँ पर जो जमीयतुल कुरैश के सदर जनाब मोहम्मद सलीम साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी जनाब खदीर साहब हैं, उनसे भी सारे लोग मुतालिबा किए कि ये जमात के नाम से टेंडर नोटिफिकेशन डाला जाए। इसके बाद में देखिए, जो भी लोग बाहर के जो टेंडर डालने वाले थे उनसे भी बातचीत हुई, वो भी जमीयतुल कुरैश के हक़ में वो लोग बातचीत किए, मगर टेंडर जनाब सलीम साहब या फिर कोई और उनके फर्जंद या किसी उनको टेंडर अलाट हुआ। टेंडर अलाट में टेंडर में देखिए 150 रुपये फ़ी जानवर यहाँ पर फीस मुकर्रर की गई और एक्सपोर्ट के लिए 300 रुपये फ़ी जानवर गवर्नमेंट की जानिब से फी मुकर्रर की गई। यहाँ पर देखिए, पहले 60 रुपये वसूल किया जाता था बल्दिया की जानिब से, अब 150 रुपये रखा। तो जमीयतुल कुरैश के जितने बरादरान कुरैश हैं ये सब सलीम साहब से जाके बातचीत किए कि इसमें फ़ीस कम करिए, आप 60 रुपये रखिए जैसा पहले था, चूँकि हालात ख़राब है, काफ़ी लोग परेशान हैं, इसमें नुकसान उठा रहे लोग, और फीस कम करिए, बल्कि ये बातचीत का मुतालिबा करें तो 150 रुपये से कम नहीं होता। उसके बाद में बरादरान कुरैश 150 रुपये देने के लिए तैयार हुए। तैयार होने के बाद में फिर ये कहा जा रहा कि नहीं, उसकी जो कटक की फ़ीस होती 120 रुपये वो अलग से दे, जबकि बल्दिया के टेंडर में 150 रुपये में जानवर के टुकड़े करके 4 पीस करके सारी चीज़ें दुकानदार या भोंडेदार के हवाले किया जाता, मजीद 120 रुपये उसमें इजाफा करके उसमें देना ये बड़ा बोझ है। इसके लिए तनाज़ा शुरू हुआ। जमीयतुल कुरैश जमात खाने में एक मीटिंग रखी गई थी, मीटिंग में कुछ गड़बड़ हुई, बोल के पुलिस की जानिब से फ़ोन आने के बाद में जमात के 5-6 लोगों के नाम पे कंप्लेंट आया, बल्कि ये इत्तला मिली तो जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के नायब सदूर और दूसरे जो अहदेदारान हैं ये सब लोग और हज़ारों में लोग यहाँ पर जमा हुए, ये सारे मिल के पुलिस स्टेशन जाके जो मोहम्मद शफ़ी है और भी जो है उनके बारे में सामने पेश कर दिए। हमारी कोई गलती नहीं है बताए, पुलिस तहकीकात करी, तहकीकात करने के बाद में ये बात गलत साबित हुई कि ये लोग कोई गलत काम नहीं करे, लिहाजा पुलिस स्टेशन से निकल के सब यहाँ पर आए और आगे की रणनीति क्या है, इसकी वजह क्या है जो 60 रुपये से एक साथ जो है ना देखिए बल्दिया की जात क्या बता रहे हैं ये लोग। बल्दिया का जो टेंडर हुआ, टेंडर में 150 रुपये फीस मुकर्रर की गई जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए, और जो एक्सपोर्ट के लिए है वो 300 रुपये फीस उसमें रखी गई है। ये देने तैयार है, देने तैयार है, ब्रादर ने कुरैश देने तैयार है, मगर इससे इसमें जो कटत के 120 रुपये जो एक्स्ट्रा होते वो मजीद इजाफा हो रहा है इसमें। जैसा साहब सलीम साहब को आप लोग सदर बने हैं, सलीम साहब जमीयतुल कुरैश के सदर है ना हैदराबाद के जी, तो उसके बावजूद भी वो अपनी कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं, उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं वो बोलिए। देखिए मुद्दा यहाँ पर यही है कि जमात के सदर होते हुए जबकि सारी जमीयतुल कुरैश के जितने लोग हैं सब उन पर भरोसा रखते हुए उनको जिम्मेदारी दिए और जमात के हक़ में कुछ फ़ायदा करने के लिए ये बातचीत के लिए उनको एक जिम्मेदारी के साथ उनके ऊपर भरोसा किए, मगर आज ये लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जमात का बिल्कुल अलग हो गया और पूरी जमात एक तरफ हो गई, जितने नायब सुदूर हैं और जितने लोग हैं वो भी अलग हो गए। अभी जो लोग हैं इसमें तो आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जाती तौर पे अपने फायदे के लिए अपने बेटे को टेंडर दिलाकर जमात के साथ बेटे के नाम पे, देखिए इतना ये है कि उनके बेटे के नाम पे नहीं, उनके नाम पे भी है, भर जिस किसी के भी नाम पे है उनका इसमें असर रसूख है। ये अगर इनके नाम पे नहीं भी है तो ये जो भी है जमात के लिए लड़के, जमात का जो फायदा होता है जमात के लिए, गरीब लोगों के लिए, उनके लिए इन्होंने हक में कुछ बात कर सकते, वो नहीं हो के ये पुलिस स्टेशन केसेस वगैरह ये चीज़ होता है। एलिगेशन भी ये लगाया जा रहा था जब पुलिस स्टेशन के पास थे तो हमें भी ये इत्तला थे कि सलीम साहब के असुखर पे यहाँ पे कंप्लेंट हुई, इसके बारे में आप क्या बोल। देखिए रिटर्न में कोई कंप्लेंट, रिटर्न में कोई कंप्लेंट तो नहीं था, मगर यहाँ पर जितने लोग हैं हर कोई यही बोलता है कि पिछले 2 दिन पहले कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन में जनाब सलीम साहब 5 जनों के नाम पे कंप्लेंट दिए बोल के है, वही वजह से यही लोगों का यही गुमान है और यही यकीन है लोगों का कि हुसैनी आलम पे
यही पुलिस में कंप्लेंट देके पुलिस को इस्तेमाल करें। अहम सवाल, अगर ये बात को नहीं माना जाए तो क्या आप पूरी कम्युनिटी प्रोटेस्ट करेंगे जमहूरी तौर पर इसका एहतजाज? देखिए आज प्रोटेस्ट के तौर पर आज हजारों में बरादरान कुरैश यहाँ पर जमा हुए, मगर सबको मैं ये पैगाम दिया कि अमन के साथ हमारे जो मुतालिबात है इंशाल्लाह मनवाएंगे हम ये मसले को। बारिशर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे सरपरस्त हमेशा से रहे हैं और जो यहाँ स्लाटर हाउस शहर के जितने स्लाटर हाउस हैं उसको मॉडर्नाइज करने में हमारे मरहूम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में जनाब बारिशर असदुद्दीन अवैसी साहब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और तमाम फ्लाई USA, UK, Canada, Australia, Dubai, Umrah packages, international and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 888-555-6786.